भारत यात्रा के दौरान राहुल ने ढोल पर अजमाया हाथ, फिर जो हुआ उड़ गए सबके होश। जी हां, आपको पता चली कि भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कलाम नूरी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों के साथ ढोल पर हाथ आजमाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने रविवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या विपक्षी दल ने किसी रणनीति के तहत हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने से उन्हें दूर रखा। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को वोट डाले गए, जहां कांग्रेस जयराम ठाकुर नेता भाजपा सरकार को शिकस्त देना चाहती है। भाजपा नेता ने कहा कि यह वही नेता है जो उत्तर प्रदेश से चुनाव हारने के बाद वहां कभी नजर नहीं आए। कांग्रेस को अपना अध्यक्ष चुनने में 3 साल लगे, जो पार्टी की स्थिति को बयां करता है। बताने चले कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से 150 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। यात्रा 12 राज्यों में 3570 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर जनवरी में श्रीनगर में पहुंचेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा था कि उनके नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा का संदेश यह है कि भारत को बांटा नहीं जा सकता और नफरत नहीं फैलाई जा सकती। अपने दोस्त और पूर्व कांग्रेस सांसद राजीव साधव के गृह जिले हिंगोली में रात में ठहरने से पूर्व पैदल यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दिवंगत नेता के साथ अपने जुड़ाव को भी याद किया था। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।